सीपैक के खिलाफ उठने वाली आवाजें कामयाब नहीं होंगी। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर याओ यिंग ने वाजे कर दिया, कहा चीन एक मौशी मुस्तकम पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान की तरक्की चीन के लिए अहम है। सीपैक के तहत वोकेशनल तरबियत, रोजगार में इजाफा और गुर्बत में कमी होगी। चीन के सफीर याओ जिंग का इस्लामाबाद में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सीपैक सेमिनार से खिताब में कहना था कि सीपैक के तहत रेलवे लिंक बढ़ने हैं। इस मंसूबे के तहत मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किए गए जिनमें से एक ऑरेंज लाइन मुकम्मल होने को है। मगरबी मीडिया सीपैक के खिलाफ मुतहरिक है। इस प्रोपोगंडा को सीपैक के मस्बत असरात से मात होगी। पाकिस्तान और चीन को पता है कि सीपैक उनके आवाम के लिए क्या है। चीनी सफीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को सस्ती सनअती पैदावार की जरूरत है। सस्ती बिजली सनअती पैदावार की लागत कम करने के लिए अहम है। कोरोना वायरस से सीपैक की रफ्तार मुतासर नहीं होगी। सीपैक के मुतालिक मुश्तरिका वर्किंग ग्रुप के इजलास वीडियो लिंक के जरिए भी हो सकते हैं। याओ यिंग ने कहा कि सीपैक के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं जो मुश्तरिका सनअती पैदावार फराहम करेंगे। सीपैक के तहत वोकेशनल तरबियत, रोजगार में इजाफा और गुर्बत में कमी करेगा।